Hello friends, welcome back to our channel. So today we are going to learn some multiplication tricks again. Today we will learn how to multiply numbers of 2 to 2 digits. We can learn it in 3 steps. So let's begin. So first we will learn the rules. These are the numbers. Two numbers, multiplication. Assume it as numbers. We learn it in 3 steps, how to multiply 1, 2 and 3 steps. So in first step, हमको क्या करना है? हमें पहले ये number को multiply करना है, ये दो ठो को, first step. Second step में हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और थर्ड स्टेप में हमें इस साइड वाले को मल्टीप्लाई करना है. सो टेक सम एग्जांपल, आफ्टर दैट आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट. सिंपल है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है इसमें. सो एग्जांपल के तौर पे लिया जाता है, मतलब एग्जांपल के तौर पे लिया जाए, क्या लिया जाए, चलो लेते हैं 43 86. ये मल्टीप्लिकेशन करना है हमको. तो हम पहले क्या करना है, हमको फर्स्ट स्टेप इसको मल्टीप्लाई करना है. तो 6 × 3 18, 18 का 8 कैरी 1. अब क्या करना है सेकेंड स्टेप हमको, चलो आपको हम तोड़ के बताते हैं. पहले सेकेंड स्टेप में करना है हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे. तो यहाँ कैरी 1 था, ये आपको याद रखना है, 18 का 8 कैरी 1 था. अब देखिए 6 × 4 = 24 प्लस 8 × 3 = 24, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ऐड करना है हमको. तो 6 × 4 = 24 8 × 3 = 24 24 24 48, और ये कैरी 1 जोड़ना है. तो 48 × 1 = 49. तो यहाँ 49 का 4, अब कैरी रहा हमारा 4, ये याद रखना है, कैरी रहा 4. अब थर्ड स्टेप क्या करना था हम लोग को, जैसा कि मैंने बताया था 43 86 था. थर्ड स्टेप हमको ये दोनों को मल्टीप्लाई करके कैरी जो बचा है उसको ऐड करना है. तो 8 × 4 = 32 और कैरी 4 था 36, तो यहाँ 36 आ जाएगा, 36 98. चलिए हम फिर से इसको समझते हैं, 43 86. अब हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हमको स्टेप में नहीं करना है, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा. तो 6 × 3 = 18, 8 × 1 1 कैरी रहा, ये भी हमको माइंड में ऐड करना है क्योंकि टाइम हमारे पास कम रहता है. कैरी 1, 6 × 4 = 24 8 × 3 = 24 24 24 48, कैरी 1, 49 का 9 कैरी रहा 4. 8 × 4 = 32 32 4 = 36, सिंपल 3 6 9 8. अगर आप इसको ऐसे करने जाते, जैसे कि अक्सर हम लोग कैसे करते हैं इसको मल्टीप्लाई, 43 86 कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 6 × 3 = 18, 8 कैरी 1, 6 × 4 = 24 125, फिर नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं 8 × 3 = 24, 4 कैरी 2, 8 × 4 = 32 32 2 34. तो 8 5 4 9 4 2 6 3 3 6 9 8. तो देखिए इसमें कितना टाइम लग रहा है आपको, आप खुद से कैलकुलेट करें, देखिए इसमें बहुत टाइम लगने वाला है. सो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, उसको हम सॉल्व करते हैं. चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं हम. एक नंबर में लिया जाए, चलिए मान लेते हैं 47 × 84. चलिए दूसरा लिया जाए 92 × 76. ये मेथड सभी 2 to 2 डिजिट पर वैलिड है, कोई भी आप कैसा भी क्वेश्चन ला के ट्राई कीजिए, ये वैलिड है. थर्ड लिया जाए, चलिए ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, 35 64. चलिए फर्स्ट वन मूवी इसको ट्राई करते हैं. चलिए हम देखते हैं इसको. फर्स्ट स्टेप 7 × 4 = 28 8 कैरी आर 2, 4 × 4 = 16, 8 × 7 = 56, 56 × 16 56 6 = 62 72, 72 × 2 = 74 का 4 कैरी रहा 7. अभी तो हम इसको लिख दे रहे कैरी वाला, लेकिन इसको आपको दिमाग में रखना है. अब थर्ड स्टेप, ये दोनों को मल्टीप्लाई, 8 × 4 = 32 and 7 = 39, सो 3 9 48 फाइनल आंसर. चलिए इसको देखते हैं, अब हम थोड़ा इसको फास्ट करने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं. चलिए
सिक्स टू जा 12, टू कैरी वन, 9 6 जा 54, 7 टू जा 14, 9 6 जा 54, 7 टू जा 14, 54 और 14, 54 4 58 एंड 10 68, 68 एंड कैरी वन जो था 69 का 9 कैरी रहा 6। अब ये मल्टीप्लाई करना, 9 7 जा 63, 63 6 69। कैसा, बहुत जल्दी हो रहा है ना, लेकिन बहुत जल्दी हो जा रहा है ये क्वेश्चन देखिए। तो 6 9 9 2, चलिए इसको ट्राई करते हैं। 5 4 जा 20 0 कैरी, 4 3 जा 12, 6 5 जा 30, 30 एंड 12 42, 42 एंड कैरी 2 44, 44 का 4 कैरी 4, 6 3 जा 18, 18 एंड 4 22, 2 2 4 0। देखिए कितना फास्ट हो रहा है ये। चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। और अगर एक और मेथड है, मेथड तो यही है, अगर एग्ज़ाम में जैसे ऐसे लिखा रहता है 47 इंटू 84, तो अब आप सोच रहे होंगे इसको हमको पहले ऐसे लिखना है 47 84, तो इसमें आपका टाइम अगर लग रहा है तो चलिए इसको हम यहीं से मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारा 7 इंटू 4 करना है, 28 8 कैरी रहा 2। सेकेंड स्टेप क्या करना है, सेकेंड स्टेप करना है देखिए 4 इंटू 4 और 7 इंटू 8, ये दोनों को कैलकुलेट करना है। देखिए 7 इंटू 4 यहाँ हो रहा था, फर्स्ट स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या था, 4 इंटू 4, 7 इंटू 8, तो 4 इंटू 4 इंटू 4, 7 इंटू 8, मतलब लास्ट लास्ट और सेकेंड फर्स्ट वाला मल्टीप्लाई। तो देखिए 4 4 जा 14, 4 4 जा 16 एंड 7 8 जा 56, 56 एंड 16, 56 एंड 16 कितना हो गया 72, 72 और 2 कैरी जो था 74 का 4 कैरी का 7। लास्ट स्टेप क्या करना है आपको, लास्ट स्टेप करना है 4 इंटू 8, मतलब ये वाला 4 इंटू 8, 8 4 जा 32 एंड 7 39। लेकिन आपको ऐसे में बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ये, सो अभी आप ऐसे ही ट्राई कीजिए। ये आप रेगुलर प्रैक्टिस करने के बाद आप देखेंगे कि आप खुद फास्ट बहुत कर पा रहे हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ और ले लेते हैं। चलिए 52 75, फोन नंबर 52 इंटू 75। चलिए 5 2 जा 10, 0 कैरी रहा 1, 5 5 जा 25, 7 2 जा 14, 25 एंड 14। चलिए अब जैसे एक और बात बताता हूँ, 25 एंड 14 जैसे ऐड करना है तो कितने बच्चे ऐसे करते हैं, 25 इंटू 25 14 लिख के 5 4 9 2 1 3 39 ऐसे लाते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ इसको ब्रेक करके आप ऐड कर सकते हैं, जैसे माइंड में ही आप ब्रेक कर सकते हैं। जैसे 25 14 था, तो मैंने इसको कैसे किया, मैंने 14 को 10 प्लस 4 में ब्रेक किया, 25 प्लस 10 प्लस 4, तो मैंने क्या किया 25 प्लस 4 29, तो ऐसे ही हो गया था, प्लस 10 किया था तो 39 आ गया था। चलिए इसको देखते हैं, 5 2 जा 10 का 0 कैरी 1, 5 5 25, 7 2 जा 14, तो 25 4 29 प्लस 10 39 और कैरी 1, 40 का 0 कैरी रहा 4, 7 5 जा 35 4 39। कितना सिंपल आप इसको कैलकुलेट कर पा रहे हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल्स हम देखते हैं, चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं हम, ले लिया जाए, चलिए कुछ भी ले लीजिए, 55 एंड 55। चलिए ये तो ऐसे स्क्वायर का हो गया, लेकिन इसको हम ऐसे भी करके देखेंगे, 74 34, 73 77। चलिए ट्राई करते हैं। तो देखिए फर्स्ट स्टेप 5 इंटू 5, 25 का 5 कैरी रहा 2, 5 5 जो 25 प्लस 5 5 जो 25, 25 प्लस 25 50 और कैरी 2 वाला ऐड करना है, 52 का 2 कैरी रहा 5। नेक्स्ट स्टेप 5 इंटू 5, 25 कैरी वाला 5, 25 प्लस 25 प्लस 5 30, 3 इंटू 5। कितना जल्दी आप फास्ट इसको कर पा रहे हैं। ऐसे ये 55 इंटू 55, ये स्क्वायर वाला ही था, तो इसके लिए और मैंने एक मेथड बताया था आपको, जब यूनिट डिजिट 5 हो किसी भी क्वेश्चन में तो उसको सॉल्व करने का तरीका बताया था, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 5 इंटू 5, यूनिट डिजिट जो 5 है उसका स्क्वायर सिर्फ लिख देना है 25, और इधर जो यहाँ पे है इसमें से एक ऐड करके उसको मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो 5 में एक बढ़ा के 6 6 इंटू 5 30। जैसे देखिए अब ऐसा वाला भी आपको थोड़ा सेटिस्फाई कर देता हूँ, 65 इंटू 65 था यूनिट डिजिट 5 का दोनों में। चलिए
फाइव का स्क्वायर 25 लिख दिया, सिक्स में वन ऐड करके सेवन, सेवन इंटू सिक्स 42। मीन्स इधर वालों को मल्टीप्लाई करने के लिए एक इसमें से बढ़ा के उसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, जैसे 85 इंटू 85, फाइव का स्क्वायर 25, एट में वन बढ़ा दिया नाइन, नाइन एट, नाइन इंटू एट 72। चलिए ये भी आपका याद हो गया होगा। चलिए ये देखते हैं, फर्स्ट स्टेप, फोर इंटू फोर 16, सिक्स कैरी वन, सेवन फोर जा 28, 28 थ्री फोर जा 12, 28 एंड 12, 28 टू 30, 40, 40 और कैरी वन, 41 का वन कैरी रहा फोर, सेवन थ्री जा 21 और फोर 25, 2516 आंसर। चलिए इसको ट्राई कीजिए, सेवन थ्री जा 21, वन कैरी रहा टू, सेवन सेवन जा 49, सेवन थ्री जा 21, 49 एंड 21 का ऐड कैसे करना है, 49 वन एट 50 और 50 20 70, 70 और कैरी टू वाला जो था 72 का टू कैरी रहा सेवन, सेवन 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 जो 49, 49 सेवन 56, 5621 इज योर आंसर। कुछ और क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिएगा और सिंपली आपका इससे बन जाएगा, कैसे भी क्वेश्चंस हो आप इसको बना पाएंगे। 3 9 8 5729। अब ये तीन क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए घर में, आप देखिएगा आप इसको पहले से बहुत ही फास्ट बना पाएंगे। ऑल यू नीड इज योर प्रैक्टिस, सो प्रैक्टिस इट, जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना आप फास्ट इसको बना पाएंगे। जैसे मुझे ही देख लीजिए, मैं अभी इसको बहुत प्रैक्टिस किया हूँ तो ये बहुत फास्ट हो रहा है। देखिए एक बना देता हूँ, 8 3 24 4 कैरी रहा टू, 8 1 8, 9 3 27, 27 8 35, 35 टू 37, 7 कैरी थ्री, 9 1 9, 9 3 12। देखिए कितना फास्ट, मुझे नहीं लगता आप इसको ऐसे क्वेश्चन को 10 सेकेंड भी लगा सकते हैं, 10 सेकेंड से भी कम में ये बन जाएगा, 5 सेकेंड काफ़ी है। सो आई होप गाइस आपको क्लास अच्छा लगा हो, अगर आपको ये क्लास, ये वीडियो आपको अगर इंटरेस्टिंग लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूले वीडियो को, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो यहाँ पे सब्सक्राइब बटन जो आ रहा है सब्सक्राइब करके बेल बेल बटन को दबाना ना भूले। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 to 2 डिजिट, 3 to 2 डिजिट ऐसा क्वेश्चन पढ़ेंगे, मतलब समझ लीजिए 379 इंटू 24, 3 डिजिट 2 डिजिट, 3 to 2 डिजिट का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। ऐसे ये आपको बहुत हार्ड लग रहा होगा कि इसको ऐसे नॉर्मल करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन मैं आपको ऐसा मेथड बताऊंगा जिससे आप इसको 10 सेकेंड के अंदर कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और वीडियोस को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ में आप इसे देख सकें। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टाटा बाय बाय।